एक जमाना था जब पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे, भारत बोलता नहीं था, लेकिन अपने पीएम ने कह दिया कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं, घुस घुस के मारेंगे, घुस घुस के। आगे आगे देखिए, अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी और काम होने। कांग्रेस तो कहती थी राम काल्पनिक है, है ही नहीं, मानने से इनकार कर। ये लोग कहते थे कि वहां तो अस्पताल बना दो, ऐसे नेता भी है कि टॉयलेट बना दो। जब देश खुशियां मना रहा था तब कांग्रेस मातम बना रही थी। कांग्रेस ने लिख के कि हम नहीं आते, अस्वीकार करते हैं निमंत्रण, तुम्हारे कर्म फूट गए। लोग मुझसे पूछते तुम्हारी हाबी क्या है, मैंने कहा लोगों को प्रेम करना, इससे बड़ी हाबी क्या हो सकती। जरा जरा से बच्चे आ जाते, मैं ऐसे बाहें करता हूँ, दौड़ के चिपक जाते मेरी छाती से, मामा मामा मामा। बताओ भैया को चुनाव जिताने के लिए एक महीना दोगी, जोर से बोलो ना, दोगी? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हर हर नर्मदे। अगर देश अगर बटा है तो देश बांटने का पाप कांग्रेस ने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, भारत को बांटा उस समय। कश्मीर में हमारी फौजें लड़ रही थी, पाकिस्तान ने हमला किया था, अगर 3 दिन और लड़ने देते नेहरू जी तो पूरा का पूरा कश्मीर हमारा होता, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं बचता। केवल इतने नहीं किया कांग्रेस, धारा 370 लगा दी। आज गर्व है ये कहते हुए, कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सपना देखा था, दो निशान दो विधान दो प्रधान नहीं चलेंगे, वो संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने पूरा कर दिया, धारा 370 समाप्त। कांग्रेस में क्या बचा है, कांग्रेस की कौन सी रीति नीति है जो देश के हित में है? ये बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, जो अपनी संस्कृति की, जीवन मूल्यों की, दर्शन की सम्मान करती है। आप बताओ अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं? बोलो सब, बनना चाहिए था कि नहीं? बनना चाहिए था। 500 साल से लड़ाई चल रही थी, 500 साल से, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। कांग्रेस तो कहती थी राम काल्पनिक है, है ही नहीं, मानने से इनकार कर। ये लोग कहते थे कि वहां तो अस्पताल बना दो, ऐसे नेता भी है कि टॉयलेट बना दो, लेकिन राम हमारे अस्तित्व, राम हमारे आराध्य, राम हमारे प्राण, राम हमारे भगवान और राम भारत की पहचान। राम रोम रोम में रमे हैं, राम हर सांस में बसे हैं, राम के बिना यह देश नहीं जाना जा सकता। कौन ने राम मंदिर के निर्माण में अड़ंगा लगाया, कौन ने वर्षों तक महादिव्य और भव्य मंदिर बनने नहीं दिया? आज कहते हुए गर्व है, हमने जो कहा था मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हुआ, 22 जनवरी को दिव्य और भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। पूरा देश खुश था, बताओ सब खुश थे कि नहीं? अरे सब बताओ खुश थे कि नहीं? अपने घरों पर, अपने घरों पर भगवा पताकाएं लहरा रही थी, बहनें दीपक जला रही थी, राम धुन गा रहे थे, हनुमान चालीसा के पाठ हो रहे थे, लेकिन केवल एक पार्टी खुश नहीं थी। कौन सी पार्टी? अरे जोर से बताओ कौन सी पार्टी? जब देश खुशियां मना रहा था तब कांग्रेस मातम बना रही थी। उनको भी निमंत्रण मिला, निमंत्रण दिया बाकायदा लिख के निमंत्रण, आइए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आप भी सम्मिलित होइए,
कांग्रेस ने लिख के कि हम नहीं आते, अस्वीकार करते हैं निमंत्रण, तुम्हारे कर्म फूट गए। दुनिया जा रही है भगवान के दर्शन करने के लिए, एक झलक पाने को कैसी भीड़ लगती है। उनको मनाया, बोले हम नहीं जाएंगे। विनाश काले, जोर से बोलो विनाश काले, विपरीत बुद्धि। अब भागे ही फूटे थे तो कोई क्या करे, भैया कैसे दर्शन करते हैं। जाको प्रभु दारुण दुख दे ही, बाकी मति पहले हर ले ही। लेकिन हमें गर्व है कि मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई। 500 साल का संघर्ष पूरा हुआ। कौन कर सकती है, अपनी भारतीय जनता पार्टी। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी में। मेरे बहनों और भाइयों, बचपन से मेरे मन में भी एक ही ललक, अपने देश के लिए कैसे काम करें, लोगों की सेवा कैसे करें। मेरे लिए कार्यकर्ता बहन और भाइयों, जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। और मैं हमेशा कहता हूं कार्यकर्ता के नाते, आज भी कह रहा हूं, आप कितने भी मंदिर में चले जाओ, भगवान की आरती उतारो, पूजन करो, व्रत उपवास रखो, तपस्या करो, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तब तक जब तक दूसरों की सेवा तुम नहीं करते। आप बताओ, दूसरों को दुख पहुंचाओ और भगवान की पूजा करो तो भगवान प्रसन्न होंगे क्या? नहीं होंगे। सब में तो राम है यार, सिया राम है सब जग जानी, बस एक ओंकार सब में वो ही, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो सबकी सेवा करो। तो बचपन से मन में आया कि सेवा कर शिवराज, तो ही जीवन धन्य होगा, देश की भी और जनता की भी। तो माध्यम चुना भारतीय जनता पार्टी। पटवाजी के साथ कई वर्षों तक काम किया, युवा मोर्चे से लेकर यहां तक का सफर तय किया। और कार्यकर्ता के नाते आज कह रहा हूं, कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, जो काम पार्टी दे पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करो। मैं तो जैत में ही पैदा हुआ, काम करते करते विधायक बन गया, फिर सांसद बन गया, फिर मुख्यमंत्री बन गया। और मुख्यमंत्री भी बुरा तो नहीं रहा, अब फिर पार्टी ने कहा कि सांसद बनो, तो सांसद का काम। लेकिन किस लिए? क्योंकि जनता की बेहतर सेवा करनी है। और मैं आज फिर कहता हूं कि अब जीवन का जितना बचा हुआ समय है, अपनी जनता जनार्दन की सेवा में लगाना है। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आपके साथ मिलकर काम करते हुए जीवन की सार्थकता बस उसी में है कि हमारा जीवन सबके काम आ जाए। अरे अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, औरों के लिए जी रही जीवन। और घर में मुझे कहते हुए क्या अवसर मिला मुख्यमंत्री का, तो एक झटके में मेरी बहनों 1,32,00,000 बहनों को लाडली बहना बनाने का सौभाग्य मिल गया, जिनके खाते में हर महीना पैसा आ रहे। छोटी छोटी बेटियां बोझ मानी जाती थी, बेटी को बोझ समझते थे लोग, लेकिन तय किया बेटी अब लाडली लक्ष्मी होंगी, लखपति पैदा होंगी, बोझ नहीं बिटिया वरदान बनेगी। तो लाडली लक्ष्मी योजना बन गई, 50,00,000 मेरी बेटियां हैं लाडली लक्ष्मी, जिनको मैंने ऐसे गोद में खिलाया, जरा जरा सी बेटी, आज वो कॉलेज में पढ़ के जब मामा मामा कहती है तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है, उनका भविष्य बनाने का सौभाग्य मिला। लाडली लक्ष्मी हो, रिजर्वेशन हो, संबल हो, कन्यादान हो, बेटियों के विवाह के लिए परेशान होते थे। तय किया बेटी की शादी माता पिता पर बोझ नहीं बनेगी, अब सरकार शादी करेगी, मामा शादी करेगा, लाखों शादी बेटियों की। एक फैसले में जनता की जिंदगी बदल सकते हैं। और अब कह रहा हूं लाडली बहनों,
केवल लाडली बहना नहीं रहना है, अब बनना है लखपति बहना, लखपति दीदी। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया लखपति दीदी अभियान। अब मेरी बहनों, जो अभियान चलेगा इस चुनाव के बाद, हर बहन को लखपति बनाना है, मतलब 1,00,000 रुपया कम से कम सालाना आमदनी करनी है। बताओ होनी चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, इधर से भी बताओ, होना चाहिए कि नहीं? क्या गरीब रहना अच्छा है? क्या हम गरीब रहना चाहते हैं? नहीं रहेंगे गरीब, नहीं बहाएंगे आंसू, हमारे पास भी पैसा चाहिए, हम भी सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे, आंसुओं के समुद्र में नहीं डूबेंगे, हमारे पास भी इतनी आमदनी होगी कि हम स्वाभिमान और सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, लोगों की जिंदगी बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी। मैं एक एक योजनाओं की आज कार्यकर्ता बहनों और भाइयों बात नहीं करूंगा। किसान हो तो 6,000 पीएम साहब दे रहे हैं, तो अपने दिल ने भी कहा मच्छू को चौहान तुम भी दो 6,000 यार, 12,000 तो क्या देख। 18% का ब्याज, 0%। आगे आगे देखिए, अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है और काम होने। मोदी जी ने कहा कि अभी 100 दिन में ही कई बड़े फैसले करने। तो मैं कार्यकर्ता भाई और बहनें कह रहा हूं, अपनी जिंदगी है लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, उनके लिए जीना है अपन। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, हम इसलिए थोड़ी कह रहे कि चुनाव जिताओ कि मामा को फिर से कुछ ना कुछ बना दो, इसलिए नहीं। जो भी रहेंगे जनता के लिए जिएंगे, जनता के लिए लोगों की जिंदगी, और उसी का जीना जीना है यार, उसी का जीवन तो जीवन है। आखिर अपन कितने साल जिएंगे? अब अपन भी 65 के हो गए। कई बार मैं सोचता हूं कि 10 साल 15 साल, अरे जितना भी जी ऐसा जी कि लोगों की जिंदगी बदल जाए, लोगों का भविष्य बेहतर करे। और अपना देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कार्यकर्ता बहनों और भाइयों कितना आगे बढ़ रहा है। एक जमाना था जब पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे, भारत बोलता नहीं था, लेकिन अपने पीएम ने कह दिया कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं, घुस घुस के मारेंगे, घुस घुस के। ये भारत है आज का, एक अद्भुत भारत। बताओ आपको गर्व होता है कि नहीं होता? रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, बच्चे फंस गए अपने, माता पिता चिंतित कि ये बिहार कैसे निकलेंगे। अब प्रधानमंत्री जी ने एक फोन किया रूस के राष्ट्रपति को, एक किया यूक्रेन के, और कहा कि देखो भैया, तिरंगा झंडा लेके भारत के बच्चे निकलेंगे, और जब वो निकले तो युद्ध बंद हो जाना चाहिए, हमारे बच्चे सुरक्षित आना चाहिए। हमारे बच्चे निकले भारत माता की जय करते तिरंगा झंडा लेके, जैसे ही देखा दोनों फौजों ने, रूस ने भी युद्ध बंद कर दिया, यूक्रेन ने भी युद्ध बंद कर दिया, और हमारे बच्चे भारत माता की जय बोलते हुए बाहर सुरक्षित निकल के आ गए। ये आज का भारत है, और ये भारत बढ़ेगा। तीसरे टर्म में मोदी जी के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान बन जाएगा। और याद रखना, ओबेदुल्लागंज में कह रहा हूं, इस मंच पे खड़ा होके, भारत अब विश्व गुरु बनेगा, पूरी दुनिया को दिशा दिखाएगा। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के रहते ये संभव है। क्यों जीतना चाहिए भारतीय जनता पार्टी? केवल इसलिए थोड़ी कि शिवराज सिंह सांसद बन जाए, इसलिए कि देश बन जाए और देश की जनता की तकदीर बन जाए, बच्चों का भविष्य बेहतर हो जाए। लैपटॉप हो, स्कूटी हो, बच्चों की फीस भरा लो, कितनी चीजें। अब इन कामों को आगे बढ़ाना है, डबल इंजन की सरकार, उधर मोदी जी और यहां मोहन यादव अपने मुख्यमंत्री है। अरे मामा भी तो दिल्ली पहुंचेगा, चिंता काय को करते हैं, बेहतर काम करेंगे। इसलिए हमको सरकार बनाना है,
और इसलिए यहां भी फिर से सांसद बना के भेजना है। 18 साल बाद फिर इस पार्टी की सेवा का सौभाग्य मिला है। कल हम गए थे राकेश शर्मा जी जिलाध्यक्ष में गए हैदरी गांव, उनका 28 साल पहले आए थे आप, पद यात्रा करते हुए यहीं सोए थे। इस जनता की चरणों की सेवा का फिर सौभाग्य मिला है, मैं तो गदगद हूं, प्रसन्न हूं। परिवार की तरह हम सब मिलकर काम करेंगे, प्रेम बांटेंगे, प्यार पाएंगे। लोग मुझसे पूछते तुम्हारी हॉबी क्या है, मैंने कहा लोगों को प्रेम करना, इससे बड़ी हॉबी क्या हो सकती। जरा जरा से बच्चे आ जाते, मैं ऐसे बाहें करता हूं, दौड़ के चिपक जाते मेरी छाती से, मामा मामा मामा, मेरा जीवन धन्य हो जाता है। और संकल्प पैदा होता है कि इन बच्चों का भविष्य बनाना है, इन बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने देना है, इन बहनों की तकलीफें दूर करना है, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना है मेरी बहनों। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी क्यों जीतनी चाहिए, इसलिए कि एक तरफ वैभवशाली गौरवशाली भारत बनना है और दूसरी तरफ जनता की सारी तकलीफें दूर करके समृद्ध और सुखी जनता को बनाना है, बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाना है। इसलिए हम लोग मैदान में, और इसलिए भाजपा का जीतना जरूरी है। बोलो जरूरी है कि नहीं, एक स्वर में बताओ जरूरी है कि नहीं। अच्छा ये बताओ, जीतना चाहिए तो ऐसे ही जीतना चाहिए कि जरा वैसा जीतना चाहिए, कैसा जीतना चाहिए बताओ। अरे जोर से बताओ, कैसा जीतना चाहिए। अब रिकॉर्ड सब कर रहे हैं, मैंने नहीं कही, तुमने ही कही है रिकॉर्ड भैया। सुरेन जी हमने रिकॉर्ड की बात नहीं कही है। अब सभी कार्यकर्ता कह रहे हैं रिकॉर्ड से, तो रिकॉर्ड कैसे बनेगा, घर बैठे बन जाएगा क्या रिकॉर्ड। अरे घर बैठे रिकॉर्ड बनेगा क्या, रिकॉर्ड बनाना है तो आज 7 तारीख है ना, वोट कब डालेंगे, आज है 7 अप्रैल, वोट डालेंगे 7 मई को। दिन कितने बचे, 1 महीना भी पूरा नहीं है, आज का दिन तो गया, 29 ही बचे। अच्छा एक चीज आपसे मांग लूं, डर काय करे, अरे मांग लूं क्या, तो ये 1 महीना भारतीय जनता पार्टी को चुनाव प्रचार के लिए दे दो मेरे बहनों भाइयों का, 1 महीना भारतीय जनता पार्टी को, बहुत जरूरी काम है घर के करो। तो भाइयों से नहीं कह रहा, बहनों से भी कह रहा हूं, बहनों तुमसे भी कह रहा हूं, बताओ भैया को चुनाव जिताने के लिए 1 महीना दोगी, जोर से बोलो ना दोगी। घर भी कह दो भैया लड़ रहा है हम जा रहे हैं। अद्भुत दृश्य कई जगह होते हैं, गुल्लक लेके बेटियां आती, मामा पैसे काहे के लिए, तुम चुनाव लड़ रहे हो इसलिए पैसे। बहने 10-10 रुपया देती, भैया पैसा काहे के, चुनाव लड़ रहे इसलिए पैसा। इस प्यार पे तो 100 जन्म कुर्बान कर दूं मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, नहीं विद्या नहीं बाहुबल है, नहीं खर्चन को दाम। मुझे विद्या नहीं चाहिए, बाहुबल नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, मरने के बाद भगवान इसी जनता के बीच में पैदा करना ताकि मैं इसकी सेवा कर पा रहा। ये चुनाव अपना है, अपने देश का चुनाव है, और इस देश में पूरा समय लगाना है। पोलिंग अच्छा, चुनाव कैसे जीतते हैं बताओ, चुनाव कब जीतेंगे, जब पोलिंग जीतेंगे। पोलिंग जीते बिना चुनाव जीत सकते हैं क्या, अरे अपन बात कर रहे हैं, बोलो पोलिंग जीते बिना चुनाव जीत सकते हैं क्या। तो अपना अपना पोलिंग सब जिताएंगे, बहने तुम भी जिताओगी, लेकिन कैसे, देखो काम यही है कार्यकर्ता का, अपने पोलिंग का पूरा अध्ययन करो। बूथ का कार्यकर्ता, विधानसभा में जीते थे कि हारे थे, 19 में जीते थे कि हारे थे, हालांकि ज्यादातर जीते ही हैं, हम में से कोई नेता नहीं है, सब कार्यकर्ता हैं। मैं भी आपके समान आपके बीच का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, और अपने कार्यकर्ताओं को यह वचन देता हूं कि आपका मान सम्मान
और भोजपुर की शान पे कभी बट्टा हम नहीं लगने देंगे। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम कार्यकर्ता क्यों हैं? इसलिए कि हम अपने देश को प्यार करते हैं, अपने देश की सेवा के लिए हम भारतीय जनता पार्टी में हैं। मैं खुद भी सोचता हूं क्यों बीजेपी में, इसलिए कि मुझे देश की सेवा करनी है। क्यों बीजेपी में, इसलिए कि मुझे अपनी जनता की सेवा करनी है और देश और जनता की सेवा का माध्यम भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई राजनीतिक दलों में नहीं। देश के लिए जीना है, जनता की सेवा करनी है, तो देश के बारे में सोचने वाली पार्टी कौन है? अरे जब से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ तब से डॉक्टर मुखर्जी साहब ने कहा था, एक देश पे दो निशान, दो विधान, दो प्रधान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। कश्मीर के लिए लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी, गोवा के लिए लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी कौन था? और कांग्रेस ने इस देश को बांटने का महापाप किया है मेरी बहनों। और अगर हारे थे तो हारा पोलिंग कैसे जीतेंगे? कितने हारे थे अपन विधानसभा में? 69, और जीते कितने थे? लगभग 250 जीते और 69 हारे। बताओ 69 पोलिंग हारना चाहिए क्या? सब बोल गया तो हारना चाहिए क्या? तो पहला काम नोट करो कि हर पोलिंग जीतना है, कोई पोलिंग नहीं हारना है। मंच पे बैठे लोगों में भी भैया पोलिंग बांट दो, कौन कौन तैयार है पोलिंग लेने के लिए हाथ उठाए? सब तैयार है और नीचे वाले भी तैयार है। नहीं, कई बार चुनाव में कैसे काम करते हैं, सवेरे घर से निकले अब्दुल्ला गंज में गुमटी पे चाय पी और क्या माहौल है उनका, सॉलिड है। अच्छा, बोले सॉलिड है, फिर दूसरी जगह निकल गए, कह रहे हम मंडी भी जा रहे हैं, वहां से चिकलौत निकल गए, वहां से सुल्तानपुर पहुंच गए और दिन भर में कहा दिन भर बहुत काम किया। क्या किया तुमने? बोले सॉलिड है सब, ऐसे सॉलिड वॉलिड से काम नहीं चलना भाई, ऐसे सॉलिड से काम चलेगा क्या? पोलिंग बांटो और तय करो कि ये पोलिंग हम जनता के बीच जाके समझा के जिता के लाएंगे तो ही सॉलिड है। अपने पोलिंग का अध्ययन करो, देखो कि पोलिंग पे कितने वोट मिले और कौन से परिवार ऐसे जिनके वोट नहीं मिले, ये जान सकते हो कि नहीं? वो तो गांव में अंदाज लगाएगा, लग जाएगा, इनने दिए इनने नहीं दिए। अब जिनने नहीं दिए उन पे टॉन्ट मत मारो, उनको अब समझाओ कि भैया कांग्रेस में क्या करोगे तुम बताओ। जो भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाए वो पार्टी कोई काम की है क्या? तो लोगों को समझाओ काय के लिए वोट पानी में डाल रहे। एक एक परिवार चिन्हित करो और उनसे बात करो कि भाई देखो वोट फालतू मत करो। तीन चीजें, एक, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? कौन सी पार्टी है? पार्टी नंबर एक भाजपा, और नेता नंबर एक नरेंद्र मोदी। नेता भी अपना सर्वश्रेष्ठ, और वैसे तो मामा भी बुरा नहीं है, तो उम्मीदवार भी अच्छा है। देखो भैया गांव में लोगों से कहो कि देखो मटका भी अगर गर्मी में खरीदते हो तो ठोंक बजा के देखते हो कि नहीं, ठक ठक बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। अगर बिना देख ले आए और पानी भरा तो पता चला पानी मटके में रहता नहीं, बाहर ही बहता रहता है। तो जब मटका भी सोच समझ के खरीदते हो तो सांसद भी सोच समझ के चुन लो रे, काय को वोट इधर उधर कर रहे हो? सोच के करो, क्योंकि सांसद सेवा भी करेगा और प्रधानमंत्री भी बनाने में मदद करेगा, क्योंकि सांसद ही तो पीएम चुनते हैं। बताओ समझा सकते हो कि नहीं? अरे समझा सकते हो कि नहीं? खूब बोलो और समझाओ काय को फालतू वोट कर रहे हो। अपने बूथ को समरस बूथ बनाओ, मतलब पूरे गांव से कहो भैया एक ही तरफ चले चलो रे, मोदी जी के संग चलो, मामा के संग चलो, इधर उधर जाके क्या करोगे? मुझे पूरा विश्वास
ढंग से आप समझाएंगे तो बात समझ में आएगी। और वैसे भी कह दो कि भैया आप जीतना मीतना तो है नहीं। अरे ये तो कांग्रेस के भाई भी मानते कि नहीं मानते, तो वो भी माने बैठे। कई जगह तो फार्म ऐसे भर रहा है कि रिजेक्ट ही हो जाता है, कौन चक्कर में पड़े आज ही निपट लो। और ले कोई दम बची नहीं कांग्रेस में। लेकिन हम समझा के बुझा के सब लोगों को अपने साथ करें, और उसके लिए बड़ा दिल करना पड़ेगा। कई बार अपन कार्यकर्ता भी कहते हैं यार हम इतने साल से बीजेपी में जो का से आ गए, नहीं घुसने देते, हम ही रहेंगे बस। ऐसे में वोट बढ़ सकते हैं क्या? अरे बढ़ सकते हैं क्या? नहीं बढ़ेंगे। अगर वोट बढ़ाना है तो बाकी लोगों को लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? बाकी लोगों को भी लाना पड़ेगा। इसलिए पोलिंग पे दिल बड़ा करें, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाए, लोगों को ज्वाइन करवाए। और पूरा चुनाव कहीं नहीं है, देखो शिवराज सिंह के भाषण से नहीं जीतना है, जीतना है तो बूथ के कार्यकर्ता की मेहनत से बूथ पे ही चुनाव जीतना है भाई, चुनाव जीतना है। इसलिए बूथ पे जीतने की योजना बनाओ, एक एक घर चिन्हित करके कौन का वोट नहीं मिला और कैसे मिलेगा, तो जैसे मिलेगा वैसे समझाओ बुझाओ मनाओ और भारतीय जनता पार्टी के साथ लेके आओ। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो सब ऐसा करेंगे? हाथ उठा के बताओ कौन कौन करेगा। अब इतने सब लोग कर लेंगे तो कोई बूथ नहीं हारेंगे, हम कोई बूथ थोड़ी हार सकते। इसलिए आज कार्यकर्ता सम्मेलन का जो निष्कर्ष है वो यही है कि हम हर बूथ चुनाव जीता। और बहनों तुम भी निकलना, लाडली बहना कौन ने बनाया बता तो देना, कि इधर उधर मत जाना। और लखपति बहना भी कौन बनाएगा ये भी कह देना। सगा भाई हूं, सौतेला तो नहीं हूं ना? अरे बताओ सौतेला तो नहीं हूं? तो सगे भैया के लिए निकाला, भैया से प्यारा कौन होता है? अगर ससुराल में खुद को कोई भला बुरा करे तो सहन कर लेती है, लेकिन अगर भैया को कुछ कह दिया तो सुन पाती हो क्या? तुरंत कहोगे देखो खबरदार मुझसे कुछ भी कह लेना, लेकिन मेरे भैया को कुछ कहा तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बात सही है कि नहीं? तो बहनों तुम भी भैया के लिए लग जाओ, एक एक बूथ को समझाओ कि एक भी वोट इधर उधर नहीं जाएगा। बहनें भी टोलियां बनाए और बहनों को भी बूथ दें, ये भी निकलेंगी और कहेंगे हम बूथ जिताएंगे। और बूथ जिताएंगे नहीं, भारी वोटों से जिताएंगे। तो हम ये लोकसभा चुनाव बहुत वोटों से जीतेंगे, जनता का आशीर्वाद ऐसा है और भगवान की कृपा भी ऐसी है। मेरे बहन और भाइयों अपने देश के लिए अपनी जनता के लिए बस भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। अच्छा आपको तो एक ही महीना काम करना है, उसके बदले में मैं तो 5 साल करूंगा। सौदा महंगा तो नहीं है? अरे बोलो ना, महंगा तो नहीं है? 1 महीने के बदले में 5 साल। बहनों और भाइयों की भी कृपा है यार। देखो अपना परिवार में तो भावुक आदमी, ये अपना परिवार, प्यारा परिवार, ये भोजपुर परिवार, ये विदिशा परिवार, इन्हीं बहनों और भाइयों के साथ प्रेम से जीऊंगा। और जब जाना होगा तो प्रणाम करके यही कह के जाऊंगा कि अगले जन्म में भी तुम्हारी सेवा करूंगा। आओ मिलकर प्रेम की गंगा बहा, छोटी छोटी चीजें भूल जाए, सबको गले लगाए, जो आज तक वोट नहीं देते उनको भी मनाए कि वहां वोट देने का क्या फायदा। और फिर जीतने के बाद लोगों की जिंदगी बेहतर बनाए और भारत तो बनेगा, दुनिया की कोई ताकत अब रोक नहीं सकती। स्वामी विवेकानंद 100 साल पहले कह गए सुदीर्घ रजनी समाप्त ही जान पड़ती है, महान ईसा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार अंगड़ाई लेके फिर खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर बैठ रही है। नरेंद्र ने कहा था स्वामी विवेकानंद ने, और अब नरेंद्र मोदी जी के हाथों ये होने वाला है, ये होने वाला है। आओ उसमें अपन भी भागीदार बने ताकि अपना देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बने और दुनिया को भी सुखी करने का काम करे। क्योंकि अपन तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, आत्मवत सर्वभूतेषु की बात करते हैं, हम कहते हैं
प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का, विश्व के कल्याण की बात करते हैं तो विश्व के कल्याण के लिए भी अपन जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी और भारत। इसलिए आओ मेरे बहनों और भाई, अपने कल्याण के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए, प्रदेश के विकास के लिए और देश के विकास के लिए और विश्व के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताने का रिकॉर्ड बनाए। बोलो सब तैयार हो, एक साथ बोलो सब तैयार हो। तो आज संकल्प लेके जाएंगे, संकल्प लेके जाएंगे, 29 दिन हम काम करेंगे। जरूरी काम हो तो घर का जरूर करेंगे। अब कोई की अगर फसल खड़ी हो, हार्वेस्टर चलना हो तो वो भी चलाना, नहीं तो बाद में पता चले फसल ही गड़बड़ हो गई, वो नहीं होने देना है। उतना टाइम जरूर देना, लेकिन बाकी टाइम मामा को दे दो। बोलो तैयार हो, उठाओ दोनों हाथ, अच्छे खड़े होकर संकल्प लेंगे। आज बहनें भी खड़ी होगी और भाई भी सक। अच्छा एक बात ये बताओ, चुनाव कौन लड़ेगा? अरे चुनाव कौन लड़ेगा, मैं लड़ूंगा कि आप लड़ोगे? चुनाव कौन लड़ेगा, चुनाव कौन लड़ेगा? सब बताएं कि मामा नहीं लड़ेगा, हम लड़ेंगे। चुनाव कौन लड़ेगा? शिवराज कौन है? शिवराज कौन है? उम्मीदवार कौन है? तो आओ अपने आप को जिताओ, उठाओ दोनों हाथ, बांधो दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के संकल्प लो कि मेरा बूथ सबसे ज्यादा वोटों से जिता के हम देंगे। हो सका तो एक तरफ अपना बूथ करेंगे।